हम कुलडिया कुलडिया बनाने के लिए हम गेहूँ ले रहे हैं, गेहूँ हम ले रहे हैं 3 किलो गेहूँ के हम बनाएंगे, ऐसे 3 किलो 4 किलो के जितना के चाहते वो उतने के बनाते हैं, लेकिन हम 3 किलो ले रहे हैं। तो गेहूँ देखिए हमारे एकदम फ्रेश है, हम इनको धोकर और 3 से 4 दिन के लिए भिगो के रख देंगे, और बीच बीच में इनके पानी हम चेंज करते रहेंगे, रोज़ पानी चेंज करेंगे, नहीं तो एक पानी में अगर रहेगा 4 दिन तो वो बास देते हैं, इसीलिए हम रोज़ पानी को चेंज करेंगे। तो देखिए हम ये गेहूँ को हम धो देंगे, हम पानी एकदम फ्रेश लेंगे और इसमें हम डाल के धो लेंगे, 1 से 2 पानी से हम धो के फिर हम इनको 4 दिन के लिए हम रख देंगे पानी में। तो देखिए हम 2 पानी से धो लिए हैं, ये तीसरे पानी हम डाले हैं, तो तीसरे में थोड़ी सा गंदा पानी आ रहा है, तो इनको हम निकाल देंगे, फिर फ्रेश पानी एकदम डाल के छोड़ देंगे, और इनको फिर ये पानी को कल हम चेंज करेंगे, आज पूरे रात हम छोड़ देंगे इसी पानी में, तो पानी हम निकाल लेंगे। तो देखिए 3 से 4 पानी से हम धो लिए हैं, हमारा गेहूँ एकदम फ्रेश दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो हम इसमें पानी हम डाल के अब दूसरा पानी हम नहीं निकालेंगे, एकदम इसको ध्यान रहे कि इसको अच्छे से धोना चाहिए, नहीं तो हमारा कुलडिया किचकिच भी लग सकता है, तो इसलिए हम 4 पानी से धो लिए हैं। अब ये पानी को हम डाल के छोड़ देंगे, ये पानी कम से कम गेहूं के ऊपर 1-3 से 4 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। तो देखिए हमारा पानी पूरा यहाँ तक है, तो हम इनको ढक के हम रख देंगे घर में। तो देखिए गेहूं का हमारा 3 से 4 दिन हो गए हैं, अब ये हाथ में रखने के बाद में ये एकदम ये पिचक जा रहा है, ये देखिए। तो इसको ना हम 3 से 4 दिन हो गए हैं, अब हमें पानी में से रोज़ हम पानी इसे चेंज करके रखे हैं, अब इसको हमें निकाल लेंगे और मिक्सर के जार में नहीं तो मशीन में हम इसको चपवा लेंगे। तो देखिए हमें निकाल लेंगे इसमें, एक बात का ध्यान रहे इसको 4 दिन तक रखना पड़ता है, तो हमारा 4 दिन हो चुके हैं। इनको अब दूसरे पानी से हम थोड़ा सा धो देंगे कि इसमें के थोड़ा सा बास नहीं आएंगे, थोड़ा बास देता है ये। तो देखिए हम इसको हम धो लेंगे, तो हमारा धो लिए हैं। तो देखिए गेहूँ कितना ज़्यादा मोटा मोटा है, और एकदम ये हाथ पर ये देखिए, अगर मिक्सर है तो मिक्सर के जार में इसी तरह हम दरदरा से पीस लेंगे, और इसको ये छील के निकाल कर फेंक देंगे, और इसका जो आटा निकलेगा उसी को हम कुलडिया बनाएंगे। तो ये हम ये डब्बे में रखेंगे अभी। तो देखिए हम जो गेहूं के हम पानी निकाल के हम रखे थे उसको हम पीस लिए हैं, हम मिक्सर के जार में पीसे हैं, तो एकदम देखिए ये पूरे दरदरा हम पीसे हैं। अगर आपके गांव में आपके घर में अगर सुविधा है तो ये चक्की में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसी तरह पीसना है, और नहीं सुविधा है तो ये मिक्सर के जार में पीस लेंगे। तो हम मिक्सर के जार में इसी तरह हम सबको पीस के हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम सबको पीस के हम आपको बताएंगे। तो देखिए हम सबको पीस के हम तैयार कर लिए हैं, तो हमारा देख सकते हैं आप ये पूरे छिलके हम जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो ये छिलके पूरे हाथ में आ रहे हैं, तो ये छिलके पूरे आना चाहिए, इसे पूरे इसको बारीक नहीं करना है, अगर बारीक करेंगे तो हमारा कुलडिया एकदम ख़राब हो जाएंगे, लाल लाल आ जाएंगे। तो इसी तरह हम पीस के हम सबको अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के और इनको हम ये छिलकों को निकाल लेंगे, एकदम जितना पतला पानी रहेगा उतना ही ये निकलेगा, तो हम इनको पतला करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें हम पानी डालते हैं, तो हम पानी इतना डाले हैं और पानी हम डालेंगे। तो देखिए हम पानी इतना पानी रख लिए हैं, कम से कम आधा बाल्टी पानी है, तो ये हम हाथ से पूरे दोनों हाथों से ये हाथ में रख के ऐसा दाब दाब के हम इसमें के जो आटा है हमको गार लेना है। तो देखिए फिर आपस ये पानी को पानी में हम धो के इसमें जो भी आटा होगा
हमें निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो छिलके हैं हम ये डब्बे में हम रख रहे हैं, इनको फिर हम आपस धो के हम इसमें के आटा निकाल लेंगे। हम इसी तरह ये हाथ में लेके हम इनको ऐसे चल गालनी होगा तो गालनी में निकाल लीजिए, हम गालनी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हाथे से कर रहे हैं। तो हम इसी तरह ये निकाल निकाल के सबको ये कर लेंगे, इसमें का पूरा हम निकाल के फिर हम एकदम पतला कपड़ा से हम छान लेंगे इनको। तो देखिए इसमें का हम सब ये छिलका हम निकाल लिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा है तो हम एक कपड़े में निकाल लेंगे। अब जो हम ये छिलका निकाले हैं उसमें हम पानी डाल के इसी तरह हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें का पूरा हो गया है। अब हम इसमें तो देखिए ये जो छिलके हैं इसमें थोड़ा थोड़ा हमारा आटा है तो हम इनको पानी रख के इनको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए हम सबको हम निकाल लिए हैं, इस समय के हम पूरा पानी हम निकाल लिए हैं। अभी कुछ नहीं है इसमें, हम इसको फेंकने में आ गए हैं तो हम इनको फेंक देंगे, फेंकेंगे नहीं ऐसे गाय भैंस के खिला देंगे हम, तो इसका कोई काम नहीं है। तब हम ये जो पानी है अब इसमें हम पलटा देते हैं और इसमें हम कपड़ा बांध के हम सबको छान लेंगे। ये छिलका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो हम कपड़े में अब ये बर्तन में हम छानेंगे उसमें छिलका नहीं रहना चाहिए। हम पूरे के ऐसा करके और इसमें हम पलटा देंगे। तो देखिए हम एकदम पतले कपड़े लिए हैं कॉटन का, एक कपड़े हम बांध लिए ये डब्बे में, तो ये हम पूरे हम एकदम फिट गांठ में हम बांधे हैं और थोड़ा सा लूज लग रहा है तो हम इनको और फिट कर दिए हैं। तब हम इसमें हम एक थोड़ा थोड़ा रख के ये देखिए ऐसा कपड़ा बनना चाहिए कि हमारा ये सब जो पानी है वो में चला जाए, ये हमारा छिलका ऊपर रह जाए। तो हम इनको ऐसे रख के हम सबको हम छान लेंगे। तो देखिए एकदम अच्छा से हमारा छन रहा है, ये देखिए। अगर ये कपड़ा के गब भर जा रहा है तो हाथ से हम हिला के पूरे हम छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। ये पानी बिल्कुल पतला रहना चाहिए, ये जितने पतला रहेगा उतना ही अच्छे से छनने में आएंगे। तो देखिए अच्छे से हम छान ले रहे हैं। तो देखिए हम पतला पानी से हम सबको छान लिए हैं, हमारा एकदम फ्रेश है पानी। ये हमारा आटा, अब ये पानी को हम क्या करेंगे, ये ढक के छोड़ देंगे पूरे रात के लिए हम छोड़ देंगे। कल 7-8-9 बजे हम फिर इनको बनाएंगे। कैसे हम बनाएंगे ये पूरे आटा हमारा जाके, तो हम ये हमारा ये सब हो गया है तो हम ये इसको ढक के अब पूरे रात के लिए हम रख देंगे। अब बाकी को हम कल जब बनाते समय हम आपको बताऊँगे कि हम कैसे बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी हम बाहर गैस पर नहीं बनाएंगे, बाहर चूल्हे पर हम बना लेंगे। तो देखिए हम चूल्हा जला के हम तैयार कर चुके हैं, तो इनको अब हम पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। हम ये पतीले से एक पतीले रखेंगे पानी हमको पूरा रखना है, नहीं कि हमारा आटा कच्चा ना रह जाए, इसलिए हम एक पतीले हम पानी इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए हम ये पानी हम डाल दिए हैं, हमारा ये पानी एकदम एक दो उबाल आने के बाद में हम फिर इसमें आटा बनाए हैं। अब ये पानी गर्म होने देते हैं जब तक आटा हम देख लेते हैं। तो देखिए हम उधर पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, इधर हम ये आटा को देख लेते हैं। तो देखिए पानी फर छा गया है, हम इस पर के हम ऊपर के पानी
हम निकाल लेंगे। तो देखिए हम इसमें के सारे पानी हम निकाल लेंगे। तो ये जितना ऊपर के पानी है हम सब पानी को निकाल लेंगे, और जो नीचे हमारा आटा होंगे उसी को हम बनाएंगे। तो ये निकाल के हम फेंक देंगे पानी को पतीले से। हम तीन पतीले पानी हमारा निकल रहा है, ये देखिए। ये हो गया, तो देखिए कैसा ये एकदम नीचे जाके, ये देखिए पूरे एकदम सफेद आटा दिख रहा है ना। तो इसे सब हम पहले हाथ से बैठ गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो देखिए हमारा गेहूं के आटा एक पतीला हम निकाल लिए हैं, पूरे पानी के जैसा है। तो हम वो एक पतीला हम पानी पहले हम रखे हैं ये गर्म होने के लिए, और एक पतीला ये। तो चलिए हमारा पानी गर्म हो चुके हैं हम, तो देखिए हमारा पानी गर्म हो चुके हैं। ये पानी में अब हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। नमक हम डालेंगे एक कटोरी, तो कटोरी से हम नमक को डाल के, अब अपने हिसाब से भी डाल लीजिएगा कितना बना रहे, जितने हिसाब से बनाइएगा और डालिएगा नमक को। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक के सिवाय बाकी कुछ नहीं डालेंगे हम। तो हम बेलन से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर अच्छा लकड़ी हो तो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास बेलन है तो हम इसी से हम तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी को और हम एक से दो उबाल और आने देंगे, उसके बाद में हम आटा को डालेंगे इसमें। दो से तीन उबाल एकदम पानी को आ चुके हैं, हमारे पानी के कलर चेंज हो चुके हैं। तब हम इसमें जो आटा बनाए हैं उसको हम डाल देंगे। तो देखिए हम सबको इसमें डाल देंगे, और डाल के हम फिर इनको अच्छे से हम चलाएंगे। तो देखिए डालते डालते में कितना गाढ़ा हो गया ये, तो इसे जाके ये पेन में बैठ जाता है। तो इसको थोड़ा निकाल के, तो ये देखिए, और इनको हम चला एकदम अच्छे से सिझाएंगे, नहीं सिझाएंगे ना तो हमारा क्या है ना वो टूट जाएंगे बनाते समय, ये सूखने के बाद में टूट जाते हैं। तो इनको हम अच्छे से हम चलाते रहेंगे। तो देखिए एक बराबर से चला के हम इसको सिझाएंगे, अच्छे से सिझाएंगे। ये हमारा कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। इनको और थोड़ा सा जलाएंगे, पूरे एक का चप्पल निकल जाए इसमें का। ये बेलन के अच्छे से घुमाते हुए हम चला के हम सिझाएंगे। ये देखिए आँच भी नरम नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम पर भी बना हम बनाएंगे। ये देखिए जलना भी नहीं चाहिए नीचे से, आजू बाजू से। ये देखिए पूरा ध्यान हम रखेंगे इसको सिझाने में कि गेहूं के थोड़ा सा भी कच्चापन ना रहे। कम से कम 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे इनको अच्छे से। देखिए 10 से 15 मिनट हम एकदम एक बराबर से हम चलाते हुए हम सिझा लिए हैं। तो देखिए हम पहले जब डाले थे तो एकदम पानी के जैसे था, अभी बिल्कुल ये सींच के एकदम अच्छा से बन चुके हैं। तभी इसको हम छत पर बनाएंगे, नीचे नहीं बनाएंगे। और अगर छत पर अच्छा जगह है तो जब नीचे सिर्फ कपड़ा बिछा के, नहीं तो वाइट कागज़ बिछा के बना लीजिए, नहीं तो साड़ी होंगे अगर कोई कपड़े होंगे तो खटिया पर बिछा के उस पर बना लीजिएगा। तो देखिए हम हमारे बन चुके हैं, एकदम कच्चापन नहीं है, पूरा कच्चापन निकल गया है, यानी इसमें गाँठ बाँठ कुछ भी नहीं है। तो हम इनको हम तीन से चार कलर में बनाएंगे, बना के फिर हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा ये जो आटा हम बनाए हैं कुलडया के लिए, तो ये ठंडा हो चुके हैं।
तो हम इनको बनाएंगे, बनाएंगे क्या चीज़ से वो भी देख लीजिए। हमारा ठासा है, मतलब ये इसका मशीन है, ये मोटा वाली के, तो मोटा वाली में हम सबको बना लेंगे। तो देखिए हम इसमें ते हम लगा के तैयारी इसमें कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा पानी से भिगो देंगे और फिर इसमें हमें भर भर के बना लेंगे। तो देखिए वो बनाते समय भी हम हाथ से थोड़ा सा, हाथ को थोड़ा गीला कर करके हम इसको ऐसा, इसमें एक भी गुठलिया ना रहे, हम ऐसा करके गुठलिया रहेगा तो हमारा वो ठासा में निकलने में थोड़ा तकलीफ होंगे, इसलिए इसको पूरे हाथ से भी हम अच्छे से मिलाएंगे और फिर ये हम भर लेंगे। तो देखिए इसमें हम भर भर के हम बना लेंगे। ये थोड़ा इसमें गाठा रहता है तो ये हाथ से हम पूरे हम बराबर करके, तो अगर ये हाथ पे नहीं हो रहा है तो ये अपना दोनों उंगली के बीच में रख के ऐसा दोनों के पतला कर लीजिए। तो देखिए अभी हमारा तैयार इसमें हो गया है। अब इसमें हम रख के अब फिर हम इनको इसी तरह घुमाएंगे और घुमाते घुमाते इसे हम गोल गोल एकदम बनाएंगे। और एक ऐसा करने के बाद में ऐसा इनको ये दाब देंगे। तो देखिए हम बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम मीडियम में बना लेंगे कि हमको तलने में अगर ये सुखाने में तकलीफ ना हो। ये कम से कम एक से दो दिन सूखने में लग जाता है। तो देखिए ये इसी तरह हमेशा घुमा के थोड़ा पतले में बनाएंगे। ये हम 3 से 4 कलर में हम सबको बना के हम तैयार कर लिए हैं। अब ये सूखने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि हम तलेंगे कैसे। तो देखिए हमारा कुल्डिया सूख के तैयार है, एकदम कलर कलर में हम बना लिए हैं। तो ये सब हमारा तैयार है, अब हम इनको हम तल के आपको बताएंगे। तो देखिए हम तलने जा रहे हैं, जब तक हम भरते हैं हम गैस का तरफ और तल लेंगे। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुके हैं, हम छोटा सा हम रख के देख रहे हैं कि हमारा तेल अच्छे से गर्म, हम तेल को एकदम अच्छे से हम गरम करना है। हम जैसे तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा ये रखते बराबर एकदम फूल जाएंगे, तब इसमें हम 3 से 4 हम तलेंगे, ज़्यादा नहीं तलेंगे। तो ये देखिए हम 4 कलर में हम 4 तलेंगे। तो देखिए दोस्तों हम तल के तैयार कर लिए हैं, हमारा पूरा रेडी है, एकदम क्रंची है, थोड़ा सा भी नरम नहीं मिलेंगे। देखिए एकदम क्रंची में हम बनाए हैं। तो ये कुल्डिया तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।